हेलो फ्रेंड्स, मैं आभा खत्री। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक और स्वीट की रेसिपी लेके आई हूँ, एक स्वीट हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ जो खसखस और बादाम को मिला के बनाया है, जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। और विंटर में इसे ज़रूर खाना चाहिए, ये इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है हमारी बॉडी की। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम बनाते हैं खसखस और बादाम का हलवा। खसखस और बादाम का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए खसखस और बादाम, दोनों मैंने एक एक बाउल लिया है। दोनों को मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था पानी में, और मैंने इसका पानी निकाल दिया है। फिर बादाम के मैंने छिलके निकाल लिए हैं, इस तरह से पील कर लिया है सारे बादाम को और ड्राई कर लिया है अच्छे से। फिर मैंने गेहूं का आटा लिया है, जाड़ा वाला हाफ बाउल लिया है, ये थोड़ा ही जरूरत पड़ता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा लिया है मैंने गेहूं का आटा। फिर हाफ बाउल मैंने शुगर ली है, ये आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। हाफ बाउल मैंने घी लिया है, घी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हलवा है तो घी ज़्यादा भी होता है तो चलता है। अब सबसे पहले हम ये खसखस और बादाम को ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर जार में। थोड़ा सा दूध डाल के इसे ग्राइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमें एकदम पतला नहीं करना है, इसे पेस्ट जैसा ही बनाना है। एक दो चम्मच दूध डाल के करेंगे तो हो जाएगा। देखिए, मैंने थोड़ा सा दूध डाल के इस तरह का पेस्ट बना लिया है, एकदम ऐसा पेस्ट बन जाएगा अपना स्मूथ। अब हम हलवा सेक लेते हैं। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले पैन में घी गरम कर लेंगे। मैंने गैस पे दूसरी साइड पानी गरम करने रख दिया है हलवे में डालने के लिए। अब जब घी गरम हो जाए इसमें हम पेस्ट डाल देंगे जो खसखस का और बादाम का था। फ्लेम एकदम स्लो कर देनी है हमें और इसे मिक्स कर लेना है। इसे एकदम स्लो फ्लेम पे और 5 से 7 मिनट सेक लेंगे हम। जैसे जैसे ये सिकता जाएगा घी अब्सॉर्ब कर लेगा अंदर। इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है क्योंकि ये चिपकता है, अभी इसमें हमने आटा नहीं डाला है इसलिए। देखिए, जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है घी नहीं दिख रहा है हमें पैन में, हमने कितना सारा घी डाला था, सारा घी अब्सॉर्ब कर रहा है ये अंदर। बस इसे इसी तरह जलाते रहेंगे हम। ये जैसे जैसे सिकता जाएगा इसमें से खुशबू आती जाएगी फ्रेंड्स, और थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज होगा, इसकी खुशबू से ही हमें पता चल जाएगा कि सिकने लगा है थोड़ा थोड़ा। अब इसे बनाने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, और विंटर में ये अपनी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें जरूर खाना चाहिए ये। देखिए, ये जब इस तरह का सिकने लग जाए, हल्का सा ऑफ व्हाइट हो गया है, इसका प्लफीनेस पूरा चला गया है, आप देख सकते हैं ये घी छोड़ने की स्थिति में आ गया है। अब इसमें हम व्हीट फ्लोर डाल देंगे क्योंकि साथ में हमें उसे भी सेकना है, लेकिन वो जल्दी सिक जाता है इसलिए हम इसे हाफ कुक करने के बाद डालेंगे। मैं डाल दूंगी इसमें लगभग 2 टेबल स्पून डाला है मैंने व्हीट फ्लोर। अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे भी साथ में सेकते जाएंगे फ्रेंड्स। इसे इसी तरह से जब तक ये घी छोड़ दे तब तक इसे सतत हिलाते रहना है फ्रेंड्स, और फ्लेम हमको एकदम स्लो कर देनी है। देखिए, जैसे जैसे कुक हो रहा है घी छोड़ता जा रहा है और कलर भी इसका चेंज होता जा रहा है, अभी लाइट ब्राउन हो गया है। इसे और थोड़ा सा पकाना है हमें जब तक हमारा आटा पक जाए। देखिए, हमने जाड़ा आटा लिया है, ये हलवा कितना दानेदार आया है उससे। जाड़ा आटा लेने का यही रीजन है, खिला खिला और दानेदार हलवा बनता है। आप आटे का हलवा बनाए तो भी दानेदार बनाने के लिए उसे जाड़ा आटा यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसे 5 मिनट तक और सेक लूंगी मैं। देखिए, अब हलवे का कलर ब्राउन हो गया है और पैन ने घी भी छोड़ दिया है पूरी तरह से। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालेंगे, हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। थोड़ा पानी डालते जाना है और उसे हिलाते जाना है। ये पानी पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर ले, फिर सेकंड टाइम पानी डालना है।
इसे मिक्स कर लेना है। मैंने लगभग एक ग्लास पानी डाल दिया है इसमें। अब फ्लेम मीडियम कर सकते हैं हम। अब इसे फिर से पूरी तरह से पैन घी छोड़ दे तब तक पकाना है। ये थोड़ा चिपकता है इसलिए इसे सतत पकाते जाना है और इसी तरह से हिलाते जाना है। फ्रेंड्स देखिए जैसे जैसे पकता जा रहा है घी छूटता जा रहा है हलवे में से और एकदम स्मूथ हो रहा है पेस्ट। देखिए पैन ने पूरी तरह से घी छोड़ दिया है। अब इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है सीखने की। अब इसमें हम शुगर डाल देंगे। शुगर कम ज्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स, पर इतने में मैंने हाफ कटोरी शुगर डाल दी है। इसे मिक्स कर देंगे शुगर को और शुगर का पानी पूरी तरह से टूट जाए तब तक इसे पका लेना है हमें। लगभग हमें इसे पकाने में 5 मिनट लगेगा, 5 से 7 मिनट लग सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हलवे ने घी पूरी तरह से छोड़ दिया है और ये अच्छी तरह से सिक चुका है, चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स रेडी है विंटर सीजन में खाया जाने वाला गर्मा गर्म खसखस और बादाम का हलवा जो बहुत ही हेल्दी है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।